गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस विच आर गिवन बाय सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट व्याकरण, चैप्टर वन, भाषा। स्टूडेंट्स, आज हम आपको भाषा के बारे में जानकारी देंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि भाषा किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, मानव के मन में अनेक विचार उठते हैं जिन्हें प्रकट करने के लिए वह भाषा का सहारा लेता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। जैसे दिए गए चित्र में अध्यापिका बोलकर राजू से प्रश्न पूछती है कि राजू बताओ स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तथा राजू अध्यापिका का प्रश्न सुनकर उसका जवाब देता है कि मैडम जी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, आपने ऊपर बने हुए चित्र में देखा कि अध्यापिका बोलकर राजू से प्रश्न कर रही है और राजू सुनकर अध्यापिका की बात का जवाब दे रहा है। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि हमें अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए बोलना पड़ता है। बात सुनकर दूसरा व्यक्ति उसे समझता है और फिर उत्तर देता है। जैसे पशु पक्षी भी अपनी बोली में एक दूसरे से बात करते हैं, परंतु जानवरों की बोली भाषा नहीं कहलाती। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। सबसे पहले आती है मौखिक भाषा। मुख से बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और सुनकर दूसरे के मन के भावों को समझना ही भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे टेलीफोन पर बात करना आदि। इसके बाद आती है लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरे के मन के भावों को समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना तथा अखबार पढ़ना आदि। इसके बाद आती है अन्य भाषाएं। भाषा का क्षेत्र व्यापक है। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, कश्मीर में कश्मीरी, महाराष्ट्र में मराठी आदि। स्टूडेंट्स, अब हम आपको लिपि के बारे में जानकारी देंगे। मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। जैसे उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी, हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। स्टूडेंट्स, अब आप जान गए होंगे कि वे साधन जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा
और लिखित भाषा तथा भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती आदि।